आप जितने भी यहाँ पर भाई बहन बैठे हैं, आप सब कृष्ण कन्हैया को तो जानते ही होंगे ना, जानते हो, जानते भी हैं और मानते भी हैं और पूजते भी। कहते हैं वही कन्हैया जब छोटे थे तब एक बार अपनी मैया से जिद करने लगे कि मैया मैं गैया चराने जाऊंगा। मैया ने बहुत समझाया, लाला अभी थोड़ा छोटा है, बड़ा हो जाना उसके बाद गैया चराना, लेकिन जिद पर बैठ गए कि नहीं मैया मैं तो अभी जाऊं। बार बार माता यशोदा समझा रहे हैं कि कन्हैया थोड़ा बड़ा हो जा फिर चले जाना, थोड़ा बड़ा हो जा फिर चले जाना, लेकिन जिद पर अड़ेगी अभी ही जाऊंगा। इतने में नंद बाबा आए, नंद बाबा ने पूछा क्या हुआ तुम माँ बेटे में। अब बाबा को देखते ही कृष्ण कन्हैया ने तुरंत पलटी मार दी, कहने लगे कन्हैया देखो ना बाबा, ये मैया मुझे कह रही है कि कन्हैया इतना बड़ा हो गया, अभी अभी बैठ बैठ कर तू सिर्फ फोकट की मुफ्त की रोटियां खाता है और कुछ नहीं तो कम से कम गाय तो चरा ले, इतना काम तो कर। अब आप ही बताओ बाबा, मैं छोटा सा कन्हैया इतनी बड़ी बड़ी गैया कैसे चराऊंगा। माता यशोदा कहने लगी रे कन्हैया कितना झूठ बोलता है तू, कब से खुद कह रहा है और बाबा के सामने तू मेरा नाम ले रहा है। कन्हैया ने कहा नहीं बाबा, ये मैया झूठ बोल रही, कब से यही जिद कर रही थी। अब बाबा तो कुछ समझ ही नहीं पाए, कहा तुम जाने और तुम्हारा काम जाने। जैसे ही बाबा गए उसके तुरंत बाद वापस जिद पर अड़ गए कि मैया मैं तो गैया चराने जाऊंगा। बहुत समझाया, बहुत समझाया, लेकिन फिर भी कृष्ण कन्हैया जब नहीं माने तब माता यशोदा को हार माननी पड़ी, क्योंकि कन्हैया के आगे आज तक किसी की चली नहीं है। कहा बेटा चले जाना लेकिन अभी नहीं, उसका मुहूर्त निकाला जाएगा और मुहूर्त के पश्चात जाना। मुहूर्त निकाला तो गोपाष्टमी का मुहूर्त निकला। देखो गाय माता जी को चराने के लिए भी मुहूर्त निकाला जा रहा है, मतलब गाय माता को चराना गोचारण अपने आप में कोई साधारण काम नहीं है, क्योंकि अगर साधारण काम होता तो मुहूर्त क्यों निकालते। अपन उठते हैं बैठते हैं सोते हैं खाते हैं पीते हैं, उसका कोई मुहूर्त निकालते हैं क्या? लेकिन घर में कोई शादी ब्याह का आयोजन हो, कोई सामाजिक धार्मिक आयोजन हो तो उसका मुहूर्त निकाला जाता है। तो गाय माता जी को चराने का भी मुहूर्त निकाला गया, अपने आप में बड़ी अद्भुत चीज है गाय माता को चराना। दुनिया की सारी संपत्ति वैभव का आनंद एक तरफ और गाय माता जी को चराने का आनंद एक तरफ। आप में से कौन कौन भाई गाय माता जी को चराने गए हैं, जरा हाथ खड़ा करना जिसने गैया चराई है, नीचे कर लो। ये मेरी नजरों में दुनिया के सबसे अमीर लोग हैं, सबसे धनाढ्य लोग हैं जिन्होंने गाय माता को चराया है। और जो लोग एक भी बार चराने नहीं गए ना, इस 9 दिन की कथा के बीच में एक दिन जरूर जाना गैया मैया को चराने के लिए। इतना आनंद आएगा, इतना आनंद आएगा कि पूछो मत। जब कन्हैया जिद कर सकते हैं अपनी मैया से तो हमें भी जिद करनी है कि हम भी गैया चराने जाएंगे। कन्हैया गोपाष्टमी के दिन प्रथम बार जा रहे हैं गैया चराने। माता यशोदा ने 3 वस्तुएं दी, जूतियां दी, कंबल दिया, लाठी दी, लाठी को भी स्वीकार कर लिया, कमल कमर पर करधनी बांध दी और कंधे पर कंबल भी डाल दिया, लेकिन जूतियां पहनने से मना कर दिया कि मैया जूतियां नहीं पहनूंगा। बहुत समझाया माता यशोदा ने कि बेटा जंगल में जा रहे हो, कांटे चुभ जाएंगे, पत्थर लग जाएंगे, तुम्हारे कोमल कोमल नाजुक नाजुक पैर खराब हो जाएंगे, बेटा जूते चप्पल पहन के जाओ, लेकिन स्पष्ट मना कर दिया मैया जूतियां तो नहीं पहन। बहुत समझाने के बाद भी जब कन्हैया नहीं माने, कहा ठीक है बेटा मत पहन जूतियां, लेकिन कारण तो बता दे कि जूतियां क्यों नहीं पहन रहे हो। तब उत्तर देने की जगह उल्टा प्रति प्रश्न किया अपनी मैया से कन्हैया ने, कहा माँ आपके पास भी बड़ी सुंदर सुंदर जूतियां रखी है ना बहुत सारी, फिर जब आप मंदिर जाते हो तो जूतियां पहनते हो क्या? मैया ने कहा मेरे भोले कन्हैया कैसी बातें कर रहे हो, मंदिर में भगवान रहते हैं, इष्ट रहते हैं और भगवान के सामने इष्ट के सामने कभी जूतियां नहीं पहनी जा सकती। कहा मैया फिर ये गैया भी तो मेरी भगवान है, जब आप अपने भगवान के सामने जूतियां नहीं पहन सकते तो ये 33 कोटि देवताओं को अपने तन में धारण करने वाली पूज्या गाय माता जी को जब चराने जाओ तो जूतियां पहनने की हिम्मत कहां से।
और 12 वर्ष की आयु तक नंगे पैर कन्हैया ने गैया को चराया। अब माताओं विचार करना, अपने बच्चे अगर दो चार किताबें ज्यादा पढ़ लेना, 12वीं बीए एमए एमबीए डॉक्टरी इंजीनियरिंग का ना कर ले, तो माताएं जहाँ रोटियां बनाती हैं, रसोई में भी आजकल की औलादों के जूते चप्पल उतरवाना बड़ा मुश्किल हो गया है। और बच्चों की तो छोड़ो, आजकल जो जींस टी शर्ट वाली बहू आती है ना, वो तो खुद ही चप्पल पहन के चपातियां बेलती है। तो हमारे चप्पल रसोई में नहीं खुलते और कन्हैया ने जंगल में जूते चप्पल नहीं पहने, 12 वर्ष की आयु तक नंगे पैर चराया। तो गैया को नंगे पैर कन्हैया चराए, वो गाय माता फिर भला जानवर हो सकती है? गाय माता कोई जानवर नहीं है। अगर कृष्ण कन्हैया को हम अपना इष्ट मानते हैं, तो गाय माता हमारी अति इष्ट हुई, महा इष्ट हुई, वो किसी सूरत में जानवर हो ही नहीं सकती है।